ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पलिश्ती शिमशान के विरुद्ध में आ रहे थे कि उसे बंदी बनाए। वो रस्सियों से बंधा था और जैसे उसके पास में आ रहे थे तब परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है और फिर पॉप। और मैं सोचता हूँ वो वहाँ पर धीमे हो गए और सोचने लगे कि अब हमें क्या करना होगा। और वो यहाँ वहाँ देखने लगा और प्रभु ने प्रयोजन किया। 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स परमेश्वर के वचन को मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तम ऐसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के भाग जुड़े हैं। हम आपको न्योता देते हैं कि इस एडिशन का आनंद उठाएं अमेजिंग फैक्ट्स प्रेजेंस में। हम यहाँ पर एक सीरीज के बीच में हैं और शिमशान के जीवन के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने पार्ट 1 सैमसन सिंह में से मधु देखा और इस हफ्ते पार्ट 2 है। इसके कुल 3 पार्ट हैं और इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं गधे के जबड़े की हड्डी। ये अच्छा विचार है कि आपको थोड़ा बहुत बता दे कि शिमशान के समय के दौरान इसराइल देश में वहाँ पर उस समय क्या क्या हो रहा था। देखिए, जब शिमशान नौजवान था वो एली के समय में था, जब एली याजक था। आपको याद है पहला शमूएल में वहाँ बहुत सा समझौता था, विश्वासघात करना था और एली के बच्चे भी लुच्चे थे। और उस समय सेवकाई में भी बहुत सी युक्तियाँ चलती थी, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं। और इसी समय के बारे में हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए पढ़ सकते हैं पहला शमूएल 4 से। तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इसराइली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इसराइली पैदल खेत आए। इस युद्ध के कुछ दिनों पहले 4,000 लोग मर गए थे और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। अब ये सब हो रहा था, इस समय शिमशान का जन्म हुआ था। पलिश्ती लोगों ने इसराइली लोगों पर विजय पाई थी। अब पलिश्तियों का एक राजा नहीं था, पलिश्ती तो उस समय में लगभग 5 राज्यों में इस तरह से बट चुके थे और वो उन्हें पलिश्तियों के प्रभु कहा करते थे। और पलिश्ती लोग तो सच में बहुत ही माहिर थे कि वो लोहे से हथियार बनाया करते थे। और इसराइली ऐसे नहीं थे, आप दाऊद की कहानी में पढ़ सकते हैं। एक युद्ध में जहां पर शाऊल और योनाथन पलिश्तियों से लड़ रहे थे, पूरे राज्य में केवल 2 लोगों के पास लोहे की तलवार थी और वो तो शाऊल और उसके पुत्र के पास थी। पलिश्ती इस बात के बारे में सावधान थे कि अगर इसराइली को अपने हथियार धारदार करने थे तो वो कहते हमारे पास आकर धार लगाना, खेत के हथियार को भी ऐसे ही करना, तुम हमारे पास आना लेकिन हम तुम्हें कोई हथियार नहीं देंगे। मतलब पूरे हथियार छीन लिए थे, अगर हथियार हो गए तो तुम परेशानी में फंसोगे। और वो उन्हें अपने वश में रख पाए। और ये तो बड़ी निराशा का समय था, जब लोगों में साहस नहीं होता तो वो लड़ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि प्रतिज्ञा के देश में जाने के बाद तुम्हें बड़े हथियार वाले शत्रु से लड़ना होगा, उनमें से कुछ तो दानव थे। परमेश्वर ने कहा यहोशू अध्याय 1:6 में, यह अद्भुत वचन है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। वचन 7, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। फिर वचन 9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। और वो कहता है केवल साहसी साहसी नहीं, लेकिन कहता है कि तू बहुत ही साहसी हो जा। खैर, मूसा ने मरने के पहले इन सारे वचनों को उसने कहा था और फिर परमेश्वर ने इसे यहोशू से कहा। और यहोशू बहुत बड़ी महान काम कर पाया क्योंकि उसने विश्वास किया कि परमेश्वर संग है। और क्या हमारे साथ कोई प्रतिज्ञा है कि वो हमारे संग रहेगा? यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा। विश्वासियों को साहसी होना है, चाहे हम शत्रु के देश में क्यों न रह रहे हो। और इसलिए शिमशान की कहानी तो आज भी हमारे लिए व्यवहारिक है। तो अभी न्यायियों 15 में चलते हैं। ये कहता है, तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। अब लही ये शब्द का मतलब है जबड़े की हड्डी। वहां जो कुछ होने वाला था उसके कारण ली नाम रखा गया था। और बाइबल के लेखक इस नाम का उपयोग करते हैं ये जानते हुए कि इस समय तो हम इसे जान लेंगे।
और वो इस तराई में फैल गए जिसका नाम लही था। और फिर यहूदा लोगों के जो अगवे थे वो बाहर आए और वो सामने देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना यानी हजारों सिपाही वहाँ, पलिश्तियों के सिपाही वहाँ पर उन्हें आकर घेरे हैं। कहते हैं, रुको रुको, क्या बात है, तुमने तो हमें जीत लिया है और हम कर चुका रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब आप देखिए, वो तो थर थर कांपते हुए सफ़ेद झंडे हाथ में लिए होंगे। और पलिश्तियों ने कहा, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसा ही हम भी उससे करें। और फिर इसके बजाय कि यहूदी लोग शिमशोन के पास में जाकर कहें, देखो तूने हमें फंसाया तो तुझे निकालना होगा, हम तेरे साथ मिलकर लड़ेंगे, वो शिमशोन के पास जाकर ये कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पलिश्ती लोग हमारे स्वामी हैं, उन्होंने अपने आप को उनके गुलाम होने के लिए दे दिया था। कितने लोगों को याद है, जब इसराइली लोगों को जंगल में परेशानी हो रही थी तो वो अक्सर कहते थे, क्या मिस्र में गुलामी में रहना इससे बेहतर नहीं था, क्यों न हम एक और अगवा बना ले और वापस चलते हैं और मिस्रियों की सेवा करते हैं, कम से कम वहां पर हमें अच्छे प्याज मिलेंगे। वो शिकायत कर रहे थे क्योंकि प्रतिदिन मन्ना खा रहे थे, हमें मछली और प्याज की कमी लग रही है, चलो वापस गुलामी में जाते हैं, वो तो अच्छा ही था, और चाहे वो समय कितना भी बुरा हो लेकिन फिर भी पीछे मुड़कर कहते थे वो पुराना अच्छा जमाना था। और इसलिए वो समर्पण के लिए तैयार थे। तो ये यहूदा के 3,000 पुरुष शिमशोन के पास में आकर उससे ये कहते हैं, उन्होंने उससे ये कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं, यानी उसके खुद के लोग उसके विरुद्ध में आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मुझसे ये शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। अब क्या दुख की बात नहीं कि परमेश्वर के लोग ही अपने चैंपियन को बांधकर शत्रु के हाथ सौंपते हैं? मतलब देखिए, शिमशोन ने अकेले ये सब कुछ किया, अगर उसके साथ 3,000 लोग होते मतलब वो तुरही फूंकता, और यहाँ पर ये लोग थे, 3,000 लोग एक साथ इकट्ठे थे, मतलब अगर वो तुरही फूंकता और पूरा इसराइल उसके साथ आकर खड़ा होता वो कितना ज्यादा कर दिखाते। परमेश्वर उनके लिए कुछ करना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वो डर गए थे, वो हारने के आदि हो गए थे। अब आपको याद, हम शिमशोन और पलिश्तियों के बारे में कह रहे हैं, हम यीशु और पाप के बारे में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये नहीं कि आप पर कोई कनानी देश हमला कर रहा है लेकिन शैतान हमला कर रहा है। क्या आप इसी बात में खुश हैं या संतुष्ट हैं कि आपके ऊपर में दुष्ट को ऐसे ही राज्य करने दें? मेरी बाइबल कहती है कि जो संसार में उससे भी बड़ा तो तुम में है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, बाइबल में जो चमत्कार है इसके बारे में हम बहुत से वचन पढ़ेंगे, ये लहरों के जैसे आते हैं, यानी एक साथ बहुत से चमत्कार होते हैं फिर उसके बाद में काफ़ी समय तक कुछ भी नहीं होता है, और चमत्कारों के अलग स्तर होते हैं। देखिए, बहुत ही महान और ऐसे अद्भुत चमत्कार तो मूसा के समय में हुए थे, जब वो मिस्र में से बाहर आए, फिर वो जंगल में गए और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए। और आप महान चमत्कारों को देखते हैं एलिया और एलीशा के समय में, और फिर आप देखते हैं कि बहुत से अद्भुत चमत्कार हुए वहाँ पर यीशु और प्रेरितों के समय में। और शिमशोन यहाँ सबसे ऊंचाई पर होता है क्योंकि एक के बाद एक चमत्कार होते हैं, और सभी न्यायियों के साथ में चमत्कार नहीं हुए थे, मतलब उन्होंने अद्भुत विजय तो पाई लेकिन सभी को हम चमत्कार नहीं कह सकते। शिमशोन की सामर्थ तो बहुत ही अद्भुत अलौकिक सामर्थ थी, और उसने जिम में ज़्यादा समय बिताने के बाद में इसे नहीं पाया था, परमेश्वर का आत्मा उस पर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम की मेंबरशिप छोड़ दीजिए, मतलब उन्होंने उसे बांधा और उसे सौंप दिया, ये तो धार्मिक अगवे थे जिन्हें यहूदी कहा जाता था, लेकिन यहूदी हिब्रू नहीं थे, यानी हो सकता है कि कोई अरब होकर हिब्रू हो तकनीकी रूप में, क्योंकि हिब्रू तो अब्राहम से आए थे, लोग इस तरह इसका उपयोग नहीं करते हैं। और सभी इसराइली यहूदी नहीं थे, यहूदी लोग तो सामान्य रूप में वो थे जो बेबलोन की गुलामी से आए थे, जिसमें ज़्यादातर यहूदा गोत्र के थे और कुछ बेंजामिन और लेवी गोत्र के थे, लेकिन बाकी 10 गोत्रों को जीत लिया गया, उत्तरी राज्य को, यानी यहूदी का मतलब है यहूदी गोत्र के लोग। लेकिन यहाँ यीशु को बांध कर यहाँ यहूदियों ने रोमी लोगों को सौंप दिया, अन्य जाति को। यहाँ पर समान बात देखते हैं कि आपके खुद के लोगों ने, और जो कीले ठोके गए थे वो तो खुले रूप में रोमी और उनके लोगों ने किए।
और फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम तुझे मारेंगे नहीं, बस तुम्हें बांध कर दे देंगे, तुम्हारा लहू हमारे हाथों पर ना हो। यानी यहां पर वो अपनी इच्छा से खुद सौंप देता है। देखिए, ये 3000 लोग उसे बंदी बना सकते थे, जबकि वो वहां पर चट्टानों के बीच में था। आपने सुना होगा 300 स्पार्टन ने लगभग 1,000,000 पर्जियन को जीत लिया था। युद्ध के सही लोकेशन के कारण अगर आप जनरल हैं तो युद्ध के लिए बिल्कुल अच्छी जगह ढूंढना चाहेंगे। और जबकि शिमशोन ऊंचाई पर था, अगर वो नहीं चाहता कि यहूदा के लोग उसे बंदी बना ले तो वो उसे बंदी नहीं बना पाते। वो डर कर उसके पास आकर कहने लगे, प्लीज़ अपने हाथ पीछे रखो, यहाँ हमारा सहयोग दो, हम तुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस बांधेंगे। यानी समझ सकते हैं वो उनके लिए इच्छा से बलिदान होने के लिए तैयार था, उसने खुद को दे दिया। देखिए, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वहां पर ये 3000 पुरुष थे, उन्होंने उसे बांधा था। वो उसे बांधकर उस चट्टान में से ले गए, वो लही तक आ गया। और वहां पर तो हजारों हजार पलिश्ती लोग बिल्कुल तैयार थे, पूरी सेना वहां पर थी। और पलिश्ती ने उसे आते देखकर, तो पलिश्ती उसको देखकर शिमशोन को ललकारने लगे। और ये कहता है, वो लही तक आ गया, तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तो यहूदा के लोग जो उसे नीचे लेकर आए, उनके साथ क्या हुआ होगा? वो उसे छोड़कर भाग गए। वो तो वहां से बस जितने जल्दी हो सके भाग गए, शिमशोन को मैदान में छोड़कर वहां से चले गए। शिमशोन नहीं गया, और बाइबल कहती है वो इस बात से उत्साहित हो गए, तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे, कहने लगे कि हमने इसे पकड़ लिया। यानी अब तो यहां पर हमारे पास बड़ी सेना है, ये हमारे नगर में आया था, इसने हमें मारा था, और अभी हमारे सामने है और हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये अभी कुछ नहीं कर सकता है। वो दौड़कर उसे बंदी बनाने के लिए आए, और यहीं पर तो बहुत ही अद्भुत बात हुई। और ये कहता है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए, जेम्स यहां पर आकर मेरी मदद करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, देखिए सच में यहां पर न्यायियों की किताब में ये 3 बार हुआ है। मैं बताना चाहता हूं ये कैसे दिखता है, और मैंने अपने साथ में लाई है ये एक रस्सी, इसे डेंटल फ्लॉस भी कहते हैं। अपने हाथ इस तरह से रखिए, ठीक है, ये काम करेगा। और मैं भी इसे यहां पर बांध लेता हूं, और चलिए इसे और भी थोड़ा खोलते जाते हैं। जब भी डेंटिस्ट के पास जाऊं तो वो यही करते हैं। और इसके कई बक्से मेरे घर में हैं, यहां पर मैं इसे पीछा छुड़ाना चाह रहा हूं। थोड़ा कसकर रखिए, यहां पर इसे इस तरह से पूरे तान कर रखिए, ठीक है। थोड़ा यहां पर मुड़ जाइए ताकि लोग आपको देख सके। ये सामान्य रूप में मजबूत है, कल्पना कीजिए, 2 नई रस्सियां, बिल्कुल नई बनाई गई रस्सियां, और उसे उन्होंने इतनी मोटी रस्सी से बांधा होगा। उनके पास 2 मोटी रस्सियां थी, एक पर जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, तो उन्होंने कसकर उसे 2 रस्सियों से बांध लिया था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने उन रस्सियों को ऐसे तोड़ा जैसे आग से जले हुए केवल सन के समान हो, जैसे मानो वो जल गई हो। तो चलिए यहां पर गौर कीजिए, बस ऐसे ही। यानी कहिए, पलिश्ती यहां पर शिमशोन के विरुद्ध आ रहे थे कि उसे बंदी बना, ये तो रस्सियों से बंधा था। और जैसे वो उसकी ओर आ रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उसके पास आती है, और वो पॉप, अब वो धीमे हो गए। उन्होंने देखा और सोचा, ये तो बंधा है, लेकिन उसने उन रस्सियों को तोड़ दिया जिससे बंधा था। और मैं सोचता हूं वो वहां पर धीमे हो गए और सोचने लगे कि अब हम लोग क्या करेंगे। शिमशोन यहां वहां देखने लगा। प्रभु ने प्रयोजन किया, उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, ये लही में हुआ, गधे के जबड़े की हड्डी, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। क्या यह अद्भुत नहीं कि आपको जिस चीज की जरूरत हो परमेश्वर सही समय पर उसे दे देता है? यानी ये बात तो मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प है कि जब भी कुछ जरूरत हो, दाऊद को चाहिए थे 5 चिकने पत्थर, वो वहीं मिले जब चाहिए थे। हजारों लोगों को भोजन चाहिए था, यीशु ने बताया क्या करना है। किसी ने बताया, यहां पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछलियां हैं। और ये तो तभी होता है जब आपको इसकी जरूरत होती है। शायद ये बहुत बड़ा दिखाई न दे, लेकिन ये शायद बहुत ही सामान्य दिखाई देता है। परमेश्वर महत्वपूर्ण समय में जरूरत पूरी करता है। क्या आपने पढ़ा है 1 कुरिन्थियों 10:13 में? ये कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हैं,
परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वो सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और शिमशोन यहाँ पर बंधा हुआ था और हजारों पलिश्ती उसके विरुद्ध में थे, और कई हजार पलिश्ती थे, वो तो सेना के रूप में आए थे जो उस पर हमला कर रहे थे। वो कह सकता था अब तो बहुत ही हो गया, शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं शत्रु को हराने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा, मैं बचाव का रास्ता तुम्हें दूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप इतनी परीक्षाओं की मानो सुनामी का सामना कर रहे हैं? हाँ, ओ मुझे पता नहीं मैं इससे कैसे बचूंगा, मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता, अगर आप प्रार्थना करें तो निश्चय गधे के जबड़े की हड्डी आपको मिलेगी। परमेश्वर आपको ऐसा कुछ देगा जिससे आप परीक्षा से लड़ सके, कभी ये न सोचे कि इससे बचाव का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर का आत्मा आप पर आएगा और परमेश्वर आपको ऐसा कुछ तो भी देगा कि उस परीक्षा से लड़े। अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके लिए स्वर्ग में से सारे स्वर्गदूतों को निकालेगा और केवल आपको उसके साथ में वहां पर रखेगा। क्या विश्वास करते हैं? मैं करता हूं। तो उसने प्रयोजन किया, और शायद हो सकता है कि वो आपको कोई मशीन गन न दे, या फिर उस समय वो गोलियत की बड़ी तलवार न दे, वो शायद गधे के जबड़े की हड्डी दे, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया उसे कभी कम न समझे। ठीक है, तो जानते हैं ये क्या है? ये जबड़े की हड्डी नहीं, ये गधे के जबड़े की हड्डी है। तो ये वहां जमीन पर पड़ी थी और उसने अपने बंधन तोड़ दिए, और सेना सामने खड़ी थी और उसने देखा, ओ प्रभु की स्तुति, मुझे कुछ न कुछ चाहिए था। खैर, शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास भाला होता, मुझे हेलमेट चाहिए, तलवार तो बहुत ही अच्छी होगी, या शायद मशीन गन, मतलब कुछ न कुछ चाहिए क्योंकि पलिश्तियों की सेना ने घेर लिया है। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया? जबड़े की हड्डी। किसकी? अब क्या परमेश्वर ने पहले महान कामों के लिए गधों का उपयोग किया था? क्या परमेश्वर ने अद्भुत रीति से यीशु के लिए गधे का प्रबंध किया था कि वो राजा होने की घोषणा करे? गधी का बच्चा। क्या परमेश्वर ने चमत्कारी रूप में गधे के द्वारा मनुष्य को फटकार लगाई, बिगड़े हुए भविष्यवक्ता को? गधा तो नम्रता को दर्शाता है, और इसलिए परमेश्वर कई बार छोटी चीजों का उपयोग करता है कि बड़े बड़े काम पूरे करें, तो वो आगे बढ़कर इसे ले लेता है। और मैं ये नहीं सोचता कि वो उस पर वहां हमला करने के लिए आए थे। मैं सोचता हूं जब परमेश्वर का आत्मा उस पर आया, तो देखिए क्या हुआ था जब दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। वो गोलियत से लड़ने के लिए दौड़कर आगे गया। क्या दानों से लड़ने के लिए दौड़ेंगे? मतलब जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन पर उतरा, जरा सोचिए कि वहां मेरे विरुद्ध में 5,000 लोग हैं और मैं अकेला हूं, मैं थोड़ा पीछे हटकर खुद की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं सोचता हूं उन्होंने उस पर जलते हुए तीर फेंके होंगे, ये अलग ही युद्ध था। मैं सोचता हूं उसने हड्डी उठाई और उनके बीच में दौड़ कर गया जहां पर वो आपस में एक दूसरे पर तीर न चला सके। मुझे लगता है उसका मन हाई स्पीड फिल्म के जैसे काम करने लग रहा था। क्या आपने कभी देखा जैसे कि नेचर पिक्चर्स में होता है, एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बढ़ता है, वो दाने में से निकलता है, फिर जमीन से बाहर आता है, खास फोटोग्राफर इसके लिए रखे जाते हैं। हाई स्पीड फिल्म में आपने देखा जब वो किसी के ऊपर गोली चलाते हैं। मैं सोचता हूँ अचानक यहाँ पर शिमशोन तो बहुत ही हाई स्पीड के आयाम में आ गया होगा, और अचानक सभी फिलिश्तियों ने उसे देखकर कहा होगा, ओ देखो ये शिमशोन आ रहा है, और अब तुम क्या करोगे। यानी उनके मन में ये सब कुछ चल रहा था, मैं इस बात के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन उसका मन इतनी तेजी से आगे बढ़ा और वो तो बस उन्हें मारते चले जा रहा था, इसके पहले कि वो ये सोचे कि अब हम क्या करेंगे। केवल जबड़े की हड्डी नहीं कहता है, सूखी हड्डी, सच में ये आधी हड्डी है। एक और जबड़े की हड्डी यहाँ पर आती है, इसका ये हैंडल बहुत अच्छा है, ये नई हड्डी थी, इसका मतलब ये तो बहुत ही कड़क थी। और वो उनके मध्य में जाता और ये कहता है कि आपने पढ़ा है, और ये कहता उसने उन्हें मारा। चलिए इसे पहले यहाँ पर रख देते हैं। उसने 1,000 पुरुषों को मार डाला, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। जब वो ऐसे कह चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और स्थान का नाम रामात लही
रखा गया। अब मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए शिमशोन कैसे दिखता था। शिमशोन के बारे में क्या खास था? उसकी मांसपेशियां। मुझे वचन से बताइए कि शिमशोन के बड़े बाइसेप्स थे, ऐसे नहीं कहता है। लेकिन उसके लंबे बाल थे, क्यों? वो नाजिर था। हमने नाजिर के बारे में देखा और उनकी दो या तीन ऐसी खास बातें हैं, उनमें से एक है कोई दाख नहीं खाना। खैर, हमने ये भी देखा कि शिमशोन ने बहुत सी दाख पहले ही खा ली थी और वो दाख की तराई में वहां पर गया था और दाख की बारी में सिंह को मारा, जबकि उससे सूखे अंगूर भी नहीं खाने थे। उसने ये भी नहीं किया। दूसरी बात थी कि मृतदेह को नहीं छूना था। केवल उसने मारा ही नहीं, पर उसने उसे छुआ। उसने सिंह के पंजर में से मधु खाया था और यहां पर उसके हाथ में एक मरे हुए गधे की हड्डी थी। जब उसने उसे अपने हाथ से फेंक दिया तो उसने कहा, चलो ये दूर हुआ। लेकिन उसकी कमजोरियों के बावजूद भी परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। मैं सोचता हूं यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार आप सोचते हैं मैं प्रभु के लिए काम करना चाहता हूं लेकिन मैं योग्य नहीं। मैं बाइबल स्टडी में सिखाना चाहता हूं लेकिन मुझे नहीं आता। मैं दूसरों तक पहुंचना चाहता हूं लेकिन मुझे संदेह है कि मैं खुद कितना बदला हूं। क्या आपने पहले यह सोचा है? हां, अक्सर हम सोचते हैं। मैं प्रोत्साहित होता हूं जब मैं पढ़ता हूं कि यीशु ने अपने 12 चेलों को प्रचार के लिए भेजा और वो प्रचार करके लौटे तो उन्होंने कहा कि प्रभु, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं हमारी आज्ञा मानती हैं और हमने महान चमत्कार होते हुए देखे हैं। और देखिए, वहां पर बीमार चंगे हुए, यहां तक कि मुर्दे जिंदा हुए। उन्होंने जो कुछ भी किया होगा वो सब बताया। और फिर यीशु ने कहा पतरस जैसे लोगों से, शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, कि जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना जब आप बदल जाते हैं। मतलब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकता है जो शायद हो सकता है कि 100% नहीं बदला हो। हां, चेले आपस में विवाद कर रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने युद्ध में जो लड़ना है उन हथियारों के साथ जो परमेश्वर ने दिए, या आपके बदलाव की क्रिया का भाग है। रहमत देखिए कि आपको महसूस होगा कि आप बिल्कुल सिद्ध है, शायद आप उस समय कुछ भी न कर पाए। जब आप जानते ये प्रभु की इच्छा है तो विश्वास से कदम बढ़ाइए और उसे करते जाइए। और शैतान हमेशा आपसे कहेगा कि आप योग्य नहीं हैं। तो वो जबड़े की हड्डी फेंक देता है। अब आखिर में जब ये युद्ध जीत जाता है, शमूएल तो अभी भी छोटा था, यानी हम देखते हैं कि उस समय एली मर चुका था और शमूएल तो अभी बहुत कम उम्र का था, तो वो मानो शिमशोन की ओर अपने जनरल के रूप में देखने लगे और वो 20 साल तक उन्हें बचाते रहा, पलिश्तियों के हमले से बचाया। शायद उस समय उन्होंने कर भी नहीं चुकाया होगा, उनके पास थोड़ी सी आज़ादी थी। लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद मानो ऐसे हुआ, वो पलिश्तियों के साथ लेन देन करने लगे और उनके साथ जुड़ने लगे। मैं प्रभु राज्य में शिमशोन से मिलना चाहता हूं। क्या आपने इब्रानियों अध्याय 11 में पढ़ा कि उसकी कमजोरियों के बावजूद? बाइबल इब्रानियों 11:32 में कहती है, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं कि गिदौन का और बाराक और शिमशोन का और यिप्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंह के मुंह बंद किए। केवल दाऊद और दानियल ने ही नहीं किया लेकिन शिमशोन ने भी किया। आग की ज्वाला को ठंडा किया शद्रक मेशक और अभेदनगो के जैसे। निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। जानते हैं बाइबल कहती है मूसा ने कहा कि कैसे एक 1,000 को भगा सकता है। ये दिलचस्प है कि एक 1,000 को भगाएगा। क्या शिमशोन ने 1,000 को मारा? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर आया। बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में बहुत सी मरियां आएगी, लेकिन कहता है कोई मरी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे निकट नहीं आएंगे। तो अपनी दृष्टि करके देखेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। मैं परमेश्वर की आत्मा चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं? शिमशोन की कहानी से सीखना चाहता हूं कि मैं भी वैसी गलती न करूं। परमेश्वर अपने लोगों को विजय देना चाहता था और वो बीच में लड़ते जा रहे थे। वो चाहता है कि आप भी ऐसे विजय पाते जाएं और उस पर भरोसा रखते जाएं। यीशु अपना क्रूस पहाड़ पर लेकर चढ़ा।
ताकि वो उन फाटकों को पूरी तरह नाश करें कि हम आजाद हो। दोस्तों, क्या आपने बोहेड वेल के बारे में सुना है? पानी में रहने वाला ये जलचर दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा प्राणी है। ये रंग में गहरा है और ये उत्तरी पानी में पाया जाता है। ये महाकाय मछली 65 फीट लंबी हो सकती है और 75 टन से ज्यादा की हो सकती है। ये तो स्पेस शटल से भी भारी है और इतना भारी भक्कम होने के बाद भी वो पूरी तरह से पानी के ऊपर कूद सकती है। क्या आप कहेंगे इतनी वजनदार उछल सकती है? बोहेड वेल का नाम इसके सिर के आकार के कारण पड़ा है और ये तो सच में इतना बड़ा होता है, ये उनके शरीर का लगभग 40% भाग का होता है और जब ये अपने सिर का उपयोग करते हैं तो ये बहुत प्रभावी होता है। इनकी खोपड़ी बहुत मजबूत होती है। जब पानी के नीचे कई बार फंस जाते हैं, बर्फ के नीचे ये अपने सिर का उपयोग करते हैं और मोटी बर्फ में भी दरार कर देते हैं, चाहे वो बर्फ 1.5 फीट चौड़ी क्यों ना हो। दोस्तों, आपको कल्पना करना चाहिए कि ये कैसे होगा कि आप उत्तरी गोलार्ध में बर्फ पर चल रहे हैं और अचानक आपके पैरों के नीचे की बर्फ तड़क कर बढ़ जाती है और उभरती है, जैसे कि एक बड़ा सी मॉन्स्टर अपना सिर निकालता है कि श्वास ले पहली बार 90 मिनट तक। बोहेड संसार के सबसे ठंडे भाग में रहती हैं। ये बाकी सब वेल से मोटी चमड़ी की होती हैं, लेकिन ये तो बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार की होती हैं। इसके कारण यूरोपियन वेलर्स अपना सबसे मुख्य शिकार इसे ही बनाते थे और इतना शिकार किया कि इनका अस्तित्व खत्म होने पर आ गया और धीरे धीरे सरकार के प्रयास के द्वारा इनकी संख्या 1960 से बढ़ती हुई देखी जा रही है। बोहेड वेल के बारे में अद्भुत तथ्य तो ये है कि ये दीर्घायु जीती हैं। वैज्ञानिकों ने इनके खोपड़ी में मिलने वाले उस प्रोटीन्स के द्वारा ये पाया है और इनके आंख के टिश्यू का परीक्षण किया तो उन्होंने कहा ऐसे बोहेड वेल है जो कि 200 साल से भी जिंदा है। तो आप कल्पना करेंगे कि समुद्र में अभी भी ऐसे बोहेड वेल तैर रहे हैं जो उस समय से जिंदा है जबकि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट के रूप में चुने भी नहीं गए थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बोहेड वेल के बारे में निश्चित दूसरे जो बड़े बड़े तथ्य हैं उनमें वो है इनका बड़ा मुंह। मछलियों में देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा मुंह होता है और जब वो अपना मुंह पूरी तरह से खोल देते हैं, ये इतना बड़ा होता है कि एक मीडियम साइज SUV अंदर पार्क की जा सकती है। और बात तो ये है कि इनका मुंह इतना बड़ा है फिर भी वो समुद्र के सबसे छोटे जंतु को खाकर ही जीवित रहते हैं, प्रिंटल, क्रिल या फिर ऐसे दूसरे माइक्रोस्कोपिक एनिमल। दोस्तों, प्रभु के बनाए जंतुओं को देखकर मैं चौंक जाता हूँ। ये बोहेड वेल गहरे समुद्र में नीचे जा सकती है, ये तो बर्फ को अपने सिर से तोड़ सकती है और पूरी तरह से पानी के ऊपर छलांग लगा सकती है और ये सब कुछ करते हैं और इन्हें शक्ति मिलती है लगभग केवल माइक्रोस्कोपिक जंतुओं से ही। यह हमें याद करने में मदद करते हैं कि हम जीते हैं परमेश्वर के वचन की छोटी प्रतिज्ञाओं के द्वारा। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा की तब यीशु ने केवल छोटे छोटे वचन कहे और उसने शत्रु को भगा दिया। आप भी इसी तरह से दीर्घायु पा सकते हैं बोहेड वेल के जैसे, प्रभु के वचन और उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा करने से। ये प्रोग्राम अमेजिंग फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।